ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। और मैटर की कल मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई आपको। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कल कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। ओके, और गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ लक्ष्मी, आपने गुड नोट्स, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नोट्स बना के नहीं डाले अभी तक, क्यों? एंड प्रगति, क्या आप सर? नोट्स आपने नहीं डाले ना अभी तक? इसके मैंने नोट्स बोले थे ना साइंस के, नो सर। तो साइंस के नोट्स बना के उसको ग्रुप में डालेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, डेली जो पढ़ाता हूँ उसका नोट्स कीजिए। चलिए आगे बात कर रहे थे हम लोग मैटर क्या होता है ना, और मैटर की फिजिकल स्टेट कल मैंने बताई, और मैटर को पहचानने के एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने मैटर की, मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनको लेकर के हमने एक्सपेरिमेंट किया। मैटर की प्रॉपर्टीज़ मैंने बोला था, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पोलन ग्रीन के एक्सपेरिमेंट से हमने दिखाया था कि मेटल जो होते हैं मूवेबल होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, दीज पार्टिकल आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कल ये सारी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। देन एक्सपेरिमेंट की बात कर लें तो पहला एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट विद पोलन ग्रेन्स, दूसरा एक्सपेरिमेंट था मिक्सिंग ऑफ इंक विद वाटर। पोलन ग्रेन्स में पता चल गया था कि ये बहुत छोटे होते हैं। मिक्सिंग ऑफ वाटर में पता चल गया था कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। ओके, और मैटर के पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन होता है। फिर मैंने बताया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देन मैंने आपको बताया कि स्प्रेड करती स्मेल, स्मेल के स्प्रेड होने से पता चलता है कि पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये मूव कर सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ सुगर एंड वाटर मैंने प्रूफ करके बताया था, जिससे आपको पता चला था कि मैटर के दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप हुआ करता है, उनके बीच में गैप हुआ करता है। तो पहला एक चीज़ पर दी गई थी, पता चल गया था कि मैटर इज़ मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, एंड दूसरा देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो ये कल की क्लास थी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉपर सल्फेट विद वाटर। तो हम क्या करेंगे, आज हम अगले एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो बच्चों जानिए पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। एक एक वॉयलेट कलर का पाउडर हुआ करता है, मतलब ये जो मैं कलर आपके सामने बना रहा हूँ ऐसा कलर का एक पाउडर हुआ करता है। देखिए इस कलर का एक पाउडर हुआ करता है, वॉयलेट कलर का ऐसा एक पाउडर हुआ करता है इस तरीके का। और जब आप इसको वाटर में डालते हैं, जब आपके मान लो ये कोई फ्लास्क रखा हुआ है और इस फ्लास्क में आपके पास वाटर रखा हुआ है, ओके ये वाटर रखा हुआ है, तो जैसे ही आप वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे तो पूरा का पूरा जो वाटर का कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है। वायलेट वाटर में जैसे ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो पूरे पूरे वाटर का कलर वायलेट हो जाता है। सिमिलरली दूसरा जो हुआ करता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, KCuSO4। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख लो, K मतलब पोटेशियम, Mn मतलब मैग्नीज, और O4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये एक ब्लू कलर, एक वायलेट कलर का सॉल्ट होता है, और कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्ट हुआ करता है। समवॉट ऐसा दिखाई देता है कॉपर सल्फेट, देखिए कुछ इस तरीके का। ये मान लीजिए आपके पास कोई बाउल है और इस बाउल में कॉपर सल्फेट का पाउडर रखा हुआ है, ये पाउडर रखा हुआ है इस तरीके से। जब आप इसको पानी में घोलते हैं, कॉपर सल्फेट के पाउडर को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर का कलर कैसा हो जाता है, तो वाटर का कलर उस समय ऐसा हो जाता है जैसा मैं आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए ये वाटर का सरफेस कलर जो होता है वो स्काई कलर का हो जाता है, स्काई कलर का, जी हाँ स्काई कलर का हो जाता है। अब जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पुट अ स्मॉल, अब आप लोग पहले कॉपर सल्फेट और ये देख लो, इसके सोल्यूशन देख लो। तो बच्चों ये जो आपको सोल्यूशन दिख रहा है, ये आपके पास देखिए जो अलग अलग सोल्यूशन दिख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, पहला सोल्यूशन जो दिख रहा है ये देखिए, ये प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है। अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ये वैसे फ्रेश नहीं है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा डाल रखा है, तो इसमें मान लो आप इतना कितना डाल रखा, मान लो इसमें 1 ml डाल मान रखा मिला रखा है 1 ml। ओके, तो मैं इसको इस कलर से करता हूँ जिस कलर का होता है, तो मान लो इसमें 1 ml मिला रखा है, फिर इसी वाटर में उसने 2 ml मिला दिया तो ये थोड़ा गहरा हो गया, 3 ml मिला दिया तो थोड़ा गहरा हो गया, 4 ml कर दिया तो ये देखिए और गहरा हो गया 4 ml पे, और आप देखिए आपने 5 ml पे कर दिया तो ये इतना ज़्यादा कलर हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, इधर से इधर जाने पर आप जो है
पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 की मात्रा जो है, अमाउंट जो है उसकी, वो बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके बढ़ाते जाने से ये जो कलर है इसका लगातार चेंज होता जाएगा, इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा। एंड व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, और यू कैन से KMnO4 सोल्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन और KMnO4 सोल्यूशन। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन या KMnO4 सोल्यूशन, इसी को कहते हैं अपन। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है पोटा स्मॉल, बेटा पढ़ो प्रगति, पहला पॉइंट पढ़ो। पोटा स्मॉल क्रिस्टल प्रगति, आर यू इन क्लास? नो, प्रगति इज नॉट इन। प्रियांशी, कैन यू लिसन मी? यस सर। ओके प्रगति पढ़िए बेटा। पोटा स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। यस सर। पुट अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। State the solution. You will see the crystals of potassium permanganate dissolve in water and color of water becomes dark pink. Let's take another beaker filled with water and put some amount of dark pink solution in it. We see that beaker in which only water is present. ओके, देखिए कर क्या रहे हैं। पहला वाला है कि आपने पुट अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन द बीकर ऑफ वाटर एंड फील्ड। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ये वाला सोल्यूशन बनाया है, फिर आपने क्या किया कि फिर इसको थोड़ा सा लेकर के आपने इसमें सोल्यूशन पानी और मिला दिया, फिर आपने पानी और मिला दिया, फिर आपने अगले गिलास में लेके पानी और मिला दिया। तो आप देख रहे हैं जो रंग है कॉपर इसका, पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन का, लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो कलर है वो लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि यू विल सी दैट द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व इन वाटर एंड कलर ऑफ द वाटर बिकम डार्क पिंक। लेट्स टेक द अनदर बीकर फिल्ड विद द वाटर एंड पुट ए स्मॉल डार्क पिंक सोल्यूशन। मतलब आपने क्लियर वाटर ले लिया और उसमें से थोड़ा पिंक सोल्यूशन जो बगल वाले ग्लास में था उसमें डाल दिया। ओके, आपने क्या देखा कि इसका कलर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। वी सी दैट द बीकर इन विच वाटर इज प्रेजेंट बिकम्स लाइट पिंक, लाइटर देन द प्रीवियस सोल्यूशन। अब फिर क्या करो, इसका पानी लेकर के दूसरे पानी में डाल दो तो वो और हल्का हो जाएगा, फिर इसका पानी लेकर के अगले पानी में डाल दो तो वो और हल्का हो जाएगा। इस तरीके से इस एक्टिविटी को रिपीट करते जाओ। आप देखोगे कि जितना अगली बार जो वाटर का ग्लास आ रहा है वो पिछले वाले वाटर के ग्लास से क्या है, कम पिंक है। इट मीन्स दैट इज इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कंटेन अ लॉट ऑफ पार्टिकल इन पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जैसे आपने एंड तक कई बार गिलास भर दिए बट लास्ट वाले में भी थोड़ा सा पिंक है। इसका मतलब जो आपने थोड़ा सा सैंपल लिया था शुरुआत में पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो ये बात लाइन इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स लॉट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। मतलब थोड़ा सा सोल्यूशन जो है, जो आप एक ढक्कन निकाल के डाल रहे हो, उसमें बहुत सारे पोटेशियम पर मैग्नेट है। और वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आर टू स्मॉल। और इस बात से क्या पता चलता है कि पार्टिकल के जो पोटेशियम पर मैग्नेट की जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल हैं। एंड देयर स्मॉल अमाउंट कैन चेंज द कलर ऑफ द इंट्रावेटर एज शोन इन द एक्सपेरिमेंट। और इतने स्मॉल होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से पूरे वाटर का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। सिमिलरली इफ़ वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद द कॉपर सल्फेट देन वाटर बिकम्स ब्लू। अब यही एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ करिए। ये देखिए कॉपर सल्फेट के साथ क्या करिए कि एक चम्मच कॉपर सल्फेट आप मिला लो। तो क्या करोगे, एक चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो पूरा जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया, बड़ी अच्छी बात है भाई, ब्लू हो गया, ब्लू 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 हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने क्लियर पानी में ग्लास में पानी भर लिया और इसका थोड़ा सा एक चम्मच निकाल के आपने इसमें डाला, तो क्या होगा, ये भी ब्लू कलर लेने लग जाएगा। ये भी जो है अपने पास, ये भी ब्लू कलर का थोड़ी देर में हो जाएगा। एक चम्मच आपने डाला तो क्लियर पानी था वो ब्लू कलर का हो गया। मतलब क्या करें, इतके छोटे से जगह में काफ़ी सारे एटम प्रेजेंट थे जो आकर के इसको क्या कर दिए, ब्लू कर दिए। तो यही रिपीट एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है किससे, यही एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है
इसी कॉपर सल्फेट में देखने को मिलती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला CuSO4, और आप पानी में बनाते हैं सॉल्यूशन, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता है एक्वस। जो चीज़ जो सॉल्यूशन पानी में बनता है उसके नीचे आप क्या लिखा जाता है एक्वस। यहाँ पर KMnO4 भी आप पानी में बना रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ भी क्या कर दो एक्वस। बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है बताओ? इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है बताइए? इस एक्सपेरिमेंट से, हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल है, क्योंकि लगातार आप इसको डाइल्यूट करते जा रहे हो फिर भी पार्टिकल खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कलर लगातार बना हुआ है। इसका मतलब ये कि पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। व्हाट इज डिफ्यूजन? अब डिफ्यूजन पढ़ेंगे हम कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों? देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी आपने अगरबत्ती लगाई होगी किसी कमरे में, आपने अगरबत्ती या कुछ भी आग जलाई हो, तो आपने देखा होगा कि धुआं जो होता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठता है। कभी सोचा कि ऊपर का धुआं नीचे क्यों नहीं आया, नीचे का धुआं ऊपर ही क्यों उठा? तो इस प्रोसेस का नाम है बच्चों डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न, मतलब जो धुआं होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। अब एग्जैक्टली इसको ये नहीं बोलेंगे कि धुआं नीचे से ऊपर की ओर जाना। क्या होता है बच्चों, हमारे क्लाइमेट में नीचे की जो डेंसिटी होती है वो मोर होती है, वो ज़्यादा होती है। मोर मतलब नीचे जो एयर का घनापन होता है वो ज़्यादा होता है, और ऊपर जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो ऊपर की जो डेंसिटी है वो लेस है। तो अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो धुआं उठता है, तो धुआं नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल किया करता है, इस बात को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। मतलब कोई भी मैटर का पार्टिकल जो होता है वो ब्राउनियन मोशन करते हुए कहाँ जाता है, लो डेंसिटी टू, सॉरी उल्टा बोल गया, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो किसी भी पार्टिकल के मीडियम का हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ओके, सो क्या हुआ, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी मूव करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ यस सर, एक्सक्यूज मी सर, Sir, you were saying something when I left the meeting. I was not able to hear it. No, I just asked कि बेटा आप इसको रीड करो, मैंने आपके इसको रीड करने को बोला था, फिर आप लेफ्ट हो गए थे, कोई बात नहीं। सो बच्चों ये कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से आप याद रखिएगा कि डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से ही दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। जैसे आप पानी में शक्कर मिलाते हो, पानी में शक्कर घोलते हो, तो शुरुआत में शक्कर एक जगह ज़्यादा रहती है, तो जब ज़्यादा शक्कर है तो क्या रहेगी, डेंसिटी हाई रहेगी, हाई। बट ड्यू टू डिफ्यूज़न प्रोसेस धीरे 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 ये शक्कर अपने चारों तरफ लो डेंसिटी एरिया में इसके पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में इसके मैटर पार्टिकल मूव करने लगेंगे, और एक समय आएगा कि ये जा करके हर कोने में बराबर 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 एडजस्ट हो जाएंगे। तो उस समय आपका जो शक्कर और पानी का मिक्सचर था वो क्या बन जाएगा, शरबत। तब आपका वो बन जाएगा शरबत। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. हाँ, तो बच्चों दुनिया में जो मिक्सिंग होती है ना वो किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही होती है। चलिए प्रगति पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस एंड डिफ्यूजन बिकम्स फास्ट। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस एंड डिफ्यूजन बिकम्स फास्ट। बच्चों जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल जोर से मूव करेंगे और मिक्सिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए आप लोग क्या करते हो, कहते हो ना कि मामा मिल्क में बॉर्नविटा मिलाना है, तो लोग आप लोग ठंडे पानी में बॉर्नविटा मिलाते हो तो अच्छी मिक्सिंग नहीं होती है। ठंडे मिल्क में आप क्या करते हैं कि मिल्क को गर्म कर लेते हैं, तो मिल्क को गर्म करने से चाहे आप उसमें शक्कर घोलो या बॉर्नविटा घोलो या कुछ भी घोलो, कोई भी चीज़ घोलते हो तो वो मिलता अच्छा है। बिकॉज क्या है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाता है जिससे कि डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है। ओके, सो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको लिख लीजिए। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस एंड डिफ्यूज़न बिकम्स फास्ट। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्राउनियन मोशन फास्ट हो जाएगा, डिफ्यूज़न फास्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस यस, अभी मैंने बताया। हाँ प्रियांशी बताओ, डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन या लो टू हाई?
साइड्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. वेरी गुड बेटा. डिफ्यूजन इज ऑलवेज टेक्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस बेटा. तूफान आना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, डिफ्यूजन जो होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो होता है, इस जाना चीज़ों का, है ना, हवा का चलना, ये सब डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक ना. सो क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मैटर पार्टिकल मूव करता है. इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस. यस, याद रखिए कि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, मगर सबसे तेज डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे जो हल्का डिफ्यूजन होता है, कम वाला, सबसे कम वाला डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में होता है. तो सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में होता है. चलिए अब आइए बात करते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. आप जानते हैं कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं. सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती है, गैस होती है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. हाँ पढ़िए प्रिया, सॉरी प्रगति पढ़ो. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सॉलिड. Solids have fixed volume and shape. In solids, particles are closely packed and they have very less spacing between them. Exactly, very important कि solid particle के बीच में जो spacing होती है बच्चों बहुत ही कम हुआ करती है. इसकी वजह से ये tightly pack होते हैं और solid को आप एक limited amount तक दबा सकते हो, उसके बाद आप नहीं दबा सकते हो क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल स्पेसिंग नहीं होती है. इसलिए सॉलिड कंप्रेसिव नहीं होते हैं. मार्क कर लीजिए कॉपी में, दे आर नॉट कंप्रेसिबल. सॉलिड जो होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते हैं बिकॉज उनकी इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग बहुत कम होती है, उनके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है. यही कारण है कि आप सॉलिड को दबा नहीं पाते हो. ओके, यस, नेक्स्ट पढ़िए बेटा. In solids, particles only vibrate at their position and they have less kinetic energy. The force of attraction between the particles of solid is very strong. Example, stone, wood, brick, ice, sugar, salt, coal, etc. Exactly. तो particle जो होते हैं अपनी position पे केवल vibrate करते हैं. Underline कर लीजिएगा, vibrate word बहुत important है. Solid के particle जो होते हैं अपनी position पे डुक 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 बस आगे पीछे vibrate हुआ करते हैं. मतलब ये वाला particle इधर इधर होगा और ये वाला particle भी इधर इधर होगा, बस ये vibrate करके अपनी energy खर्च करते रहते हैं. ओके, ये हो गया example. अब बात करते हैं liquid की. Yes, carry on बेटा. Liquid. Liquids have fixed volume but indefinite shape. In liquids, there is a weaker force of attraction and more spacing between the particles. In liquids, particles can move around and have high kinetic energy. Example, milk, water, petrol, kerosene, alcohol, oil, etc. Exactly. So these particle of liquid having the fixed volume, but they don't have in the fixed shape. आप liquid को जिस color के, जिस type के vessel में रख दोगे, color नहीं, जिस volume के vessel में रख दोगे, ये उसका आकार ले लेता है, है ना. आप इसको ग्लास में डालोगे तो ये ग्लास की शेप ले लेता है, आप इसको जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेता है, कोई भी लिक्विड. सो क्यों? बिकॉज इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, बट इसका शेप फिक्स नहीं होता. शेप फिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना सॉलिड में होता था. सॉलिड के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, छोड़ते नहीं हैं, बट लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के बैठते नहीं हैं, मतलब वो एक दूसरे को छोड़े रखते हैं, ठीक है ना. तो लिखा हुआ है गैस, सॉरी लिक्विड. लिक्विड हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली फ्री होते हैं. ओके, एग्जाम्पल बताई दी अपन ने, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, एल्कोहल एटसेट्रा. अब बात करिए गैस के बारे में. पढ़िए बेटा गैस. गैस. Gases have indefinite shape and volume. Particles of gases have very large spacing and very weak attraction between them. Particles of gases move around very easily and have very high kinetic energy. Example, air, oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, etc. एग्जैक्टली. सो ये देखिए, यहाँ पे गैसेस के एग्जांपल दिए हुए हैं. लिक्विड में आपने देखा फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, सो थोड़ा सा कम होता है सॉलिड की तुलना में, बट यहाँ ना के बराबर फोर्स होता है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में. तो गैस के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम, वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है.
इसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ना इसका शेप फिक्स होता है ना इसका साइज फिक्स होता है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, फिलिंग कंटेनर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल गैसेस आर वेरी लेस, है ना। मतलब जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत लेस हुआ करता है, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इसलिए तो गैसेस होते हैं। ड्यू टू दिस दिस पार्टिकल कैन ईजली मूव फ्रॉम वन अदर टू द अदर दस फिलिंग द कंटेनर। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण हम बड़े आराम से जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उन्हें हम किसी भी बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अट्रैक्शन फोर्स इज सफिशियंट एनफ फॉर नॉट लेटिंग द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मगर सॉलिड में और लिक्विड में पार्टिकल फोर्स जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से वो पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। मगर गैसेस में ये पार्टिकल का फोर्स बहुत कम होता है इसलिए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। पढ़िए बेटा शेप। शेप, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ लेस इजीली मूव अराउंड, दस दे कैन मूव कंटेनर। हाँ बेटा, आपकी आवाज फिर से लैग हो गई। देखिए, शेप एंड वॉल्यूम, ड्यू टू द लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैस इजीली मूव अराउंड, दे कैन टेक द शेप ऑफ एज पर द कंटेनर। इसलिए लिक्विड और वॉल्यूम जो होते हैं वो किसका शेप ले लेते हैं? आपके कंटेनर का, ठीक ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं। पढ़िए बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम, गैसेस हैव इनफिनिट वॉल्यूम, गैसेस हैव सो लिटिल अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स दैट दे कैन इजीली चेंज स्पेसिंग बिटवीन डेंसर्स, सो दे कैन इजीली चेंज देयर वॉल्यूम। सेकंड, इन लिक्विड्स अट्रैक्शन फोर्स इज लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स डू नॉट चेंज इजीली, सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड सेम विद सॉलिड्स। सॉलिड्स कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट नीड फोर्स टू बी अप्लाइड फॉर चेंजिंग शेप। सम सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी इजीली क्विस्ड to change shape. Sponges have many small air-filled holes. क्या हुआ? Nothing, sir. I left the meeting. Now I'm back. Okay. Sponges have many small air-filled with holes. When we squeeze them, एयर फ्रॉम दीज होल्स कैन कम आउट चेंजिंग द शेप ऑफ द स्पॉन्ज। यस एग्जैक्टली। तो ये थी प्रॉपर्टीज आपके पास में। गैसेज हैव सो लिटल अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स सो दे कैन ईजली चेंज देयर शेप, स्पेसिंग बिटवीन देमसेल्व सो दे कैन ईजली चेंज देयर वॉल्यूम। तो इसलिए गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, और वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है और आपने यहाँ पर गैस भर रखी है, ये गैस के मॉलिक्यूल के बीच का गैप है, बट आपने सडनली इस कमरे को बड़ा कर दिया और इतनी गैस भर दी, तो उनके बीच का गैप जो होगा मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। बोल देंगे भाई अब तो दूर दूर रहिए ना, है ना। तो इस तरीके से जो गैप्स हैं वो लगातार बढ़ जाएंगे। बोलिए, क्लियर बच्चों? तो वॉल्यूम चेंज करने का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अगर आप गैस का वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो होगा पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा जिसमें आप उसको रख रहे हैं। ओके, इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्सेस लार्ज, इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्सेस लार्ज एनफ सो द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज ईजली, सो लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड सेम विद सॉलिड्स। तो जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, और सॉलिड की जैसा, जैसे सॉलिड में ही वॉल्यूम फिक्स हुआ करता है। सॉलिड्स कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, लिक्विड एंड गैस डू नॉट नीड एनी फोर्स। सॉलिड जो होते हैं वो फोर्स लगाए जाने पर अपनी शेप बदल देते हैं, मगर लिक्विड और गैस में आप फोर्स लगा करके उनकी शेप नहीं बदल सकते।
यस नेक्स्ट सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी ईजली सो दे कैन बी ईजली स्क्वीज्ड टू चेंज शेप. मतलब जो सॉलिड ऑलरेडी कुछ गैप मेंटेन करते हैं उनको आप प्रेस करके जो है क्या बना सकते हैं, उनको आप सम सॉलिड हैव गैस इनसाइड देम सो दे कैन बी ईजली स्क्वीज टू चेंज देयर शेप. तो उनकी शेप में आराम से आप बदलाव कर सकते हैं भाई, स्क्वीज देम, उनको दबा करके आप शेप में बदलाव कर सकते हैं. नेक्स्ट स्पॉन्जेस हैव मैनी एयर फिल्ड होल्स वैन वी स्क्वीज देम एयर फ्रॉम दीज होल्स कैन कम आउट एंड चेंजिंग द शेप ऑफ द सॉलिड. तो अब जो है स्पॉन्ज जो होता है उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसके जो एयर होल होते हैं उससे एयर जो होगी वो बाहर आ जाएगी. ओके चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों अगला है कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी पढ़िए. यस सर. Spacing between particles of gases can be decreased, so gases have high compressibility. But spacing between particles of solid or liquid cannot be decreased, so they cannot be compressed. Application of compressed gas force. Compressed helium gas is filled in air balloons. Second, compressed natural gas CNG is filled in cylinders which are used in vehicles. Third, liquefied petroleum gas LPG is filled in cylinders which are used for cooking. Yes, तो ये आपके application of compressed gas के हैं कि compressed gas का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. तो compress करने से क्या होता है, spacing between the particle can be decreased. जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई गैस है और ये रखी हुई है किसी वॉल्यूम में, किसी चैम्बर में, और आपने क्या किया, ये इसके बीच का गैप है. ओके, दो एटम के बीच का आपने इसको दबाना शुरू किया तो ये एटम के बीच का गैप लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ओके तो कम होता जाएगा तो हम कहेंगे कि गैस कंप्रेसिबल है. हम ये कहेंगे कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, ठीक ना. रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब आप किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते. तो रिजिडिटी का मतलब है आप उस चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे एग्जांपल के लिए पत्थर, तो पत्थर के पास रिजिडिटी होगी क्योंकि पत्थर को आप जो है कंप्रेस यानी दबा नहीं सकते हो. ओके यस. तो रिजिडिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस दैट रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक ए चेंज इन शेप बीइंग कंप्रेस. सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी, लिक्विड्स हैव लेस रिजिडिटी एंड गैस हैव नो रिजिडिटी. लिक्विड के पास कम रिजिडिटी होती है और गैस के पास कोई रिजिडिटी नहीं होती है. चलिए ठीक है, तो यहीं तक इसको करते हैं अभी. और अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग नोट्स बना